मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता हूँ, तुलसी हेल्थ केयर से बोल रहा हूँ। हम लोगों का चैनल मेंटल हेल्थ की डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में, मानसिक परेशानियों के बारे में विचार करता है और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आज मैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बात करूँगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वैसे तो 1-3% पॉपुलेशन में है, लेकिन कोविड के बाद कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। बिकॉज कोविड में हमें बार बार ये एजुकेट किया गया या समझाया गया कि आप अपने हाथ को धोइए, मास्क से अपने फेस को कवर करिए। उसके बाद में हाथ धोने वाली प्रथा कुछ लोगों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो एक बीमारी जैसा दिखने लगा। यहाँ तक कि मुझे कुछ लोग तो ऐसे मिले जो दिन में 3-4 घंटे तक हाथ धो रहे थे और बहुत ज़्यादा परेशान। आजकल मैं एक और लड़की को ट्रीट कर रहा हूँ जो 3-4 घंटे अपने टॉयलेट को सैनिटाइज करती है यूज़ करने से पहले। उसको लगता है कि अगर टॉयलेट गंदा होगा तो उसे इन्फेक्शन हो जाएगा और उसको सैनिटाइज़र से यूज़ करने लगी है बमुकाबले सोप एंड वाटर से। सो ऑब्सेसिव में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ऑब्सेशन और कंपल्शन। ऑब्सेशन का मतलब है कि आपको कोई भी विचार बार बार आए, आप ये जानते हैं कि विचार की कोई रिलेवेंस नहीं है, इनरेलेवेंट है, फिर भी आता है। और कंपल्शन है आप उन विचारों को रिड्यूस करने के लिए, अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए, इनसिक्योरिटी को कम करने के लिए कुछ एक्ट करते हैं। जैसे आपके मन में ये विचार आया कि आपके हाथ गंदे हैं और आप हाथ को धोते हो, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम में एक बार दो बार धोने के बाद भी हमें ये फीलिंग नहीं जाती है कि हमने धो लिए। रादर ये फीलिंग परसिस्ट करती है और कई बार हम लोग घंटों घंटों 10 बार 20 बार साथ साथ के 3 ग्रुप में धो रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटी OCD में कॉमनली देखी जाती हैं, जैसे कोई जने लॉक्स चेक कर रहे हैं, गैस चेक कर रहे हैं, घर से बाहर निकलते वक्त दरवाजे चेक कर रहे हैं। और मेन इशू ये है कि आप इस चीज़ में बहुत सारा समय वेस्ट करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं और प्रॉब्लम्स ग्रेजुअली बढ़ती जाती है और समस्या का समाधान हम नहीं ढूंढ पाते। सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्लियरली एक न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की वजह से होती है। हमारे ब्रेन में एक सेरोटोनिन करके न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं करता है, और इसके इलाज के लिए हमें कुछ दवाइयां, काउंसलिंग, ये दोनों माध्यम यूज़ करने पड़ते हैं। दवाइयों में मोस्टली SSRI सेरोटोनिन स्पेसिफिक रीअपटेक इनहिबिटर एक ग्रुप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जिनको कि काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है। थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं बट मोस्टली सेफ एंड टॉलरेट करते हैं। एज वेल एज साइकोथेरेपी में एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन है कि आपको ये जो फीलिंग आ रही है ये कोई अबनॉर्मल सी नहीं है, रादर एक बीमारी का ही हिस्सा है। और अगर आप इस एंजाइटी को बियर करके इस फीलिंग को टॉलरेट कर पाएं तो शायद आप इस एंजाइटी से और रिपीटेटिव एक्ट से बच पाओगे और अपनी लाइफ नॉर्मली लीड कर पाओगे। ERP का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। सो आमतौर से हम ये देखते हैं कि मरीजों को मेडिसिन और साइकोथेरेपी दोनों मिलके बेस्ट आउटकम आते हैं। आजकल कुछ लोग बहुत कॉम्प्लेक्स OCD की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और उसमें हम लोग आजकल DTMS एक डीप ट्रांसमैग्नेटिक स्टिमुलेशन मशीन को यूज़ कर रहे हैं और उसके भी बड़े एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं। बट ये ट्रीटमेंट केवल रेजिस्टेंट केसेस में ही करा जाता है और अभी इसकी पूरी रिसर्च चल रही है। बहुत कंक्लूसिव एविडेंसेस हैं बट अभी प्रूव नहीं हुआ है, सो स्टिल इन द रिसर्च फेज। सो कुल मिला के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर काफ़ी कॉमन 3-7% पॉपुलेशन में होती है, बट 1% लोगों को इलाज की ज़रूरत पड़ती है और विद ट्रीटमेंट आप ठीक हो सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।